राजनीति का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? परिवारवाद, भाषा की मर्यादा को लांघने वाले नेता लोग और उसके बाद सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए मारा मारी करते हुए नेता, यही आता होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस ट्रेंड को फिर से हवा मिली है। बाकी वीडियो पर जाने से पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। RJD के तरफ से परिपक्व और जिम्मेदार नेता माने जाने वाले RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने BJP और JDU को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो हर भौंकने वाले को जवाब नहीं देते हैं। बताइए, ये है बिहार की सियासत, जहां पर नेता लोग को पता ही नहीं है कि उनको क्या कब कहना चाहिए। आपको बता दें कि BJP के नेता भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव को ये कहा था कि खरवास के बाद उनके पार्टी में बड़ी टूट आने वाली है, इसलिए तेजस्वी यादव को पहले कमेंट करने से पहले अपनी पार्टी को देखना चाहिए और अपनी पार्टी में जिस तरह से टूट हो रही है उसको रोकना चाहिए। इस पर जगदानंद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कह दिया कि वो हर भौंकने वालों को जवाब नहीं देते हैं। जगदानंद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि अब वो हर भौंकने वाले को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। उन्होंने कहा कि RJD जनता के मुद्दों को लेकर के बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। जनहित के मुद्दों को लेकर के पार्टी जब भी ज़रूरी होगी सड़कों पर नजर आएगी। कार्रवाई याद रख लीजिए, इन सारी चीज़ों को जब आप समेटिएगा तो अंत में कार्रवाई, जब सरकार हमारी रहती तो कार्रवाई होती, और जब हम लोग का सरकार नहीं है, प्रतिपक्ष में हम लोग हैं, तो संघर्ष हमारी कार्रवाई का हिस्सा है। जिस अत्याचार से जूझ रहा है, कैसे वंचित समूह समाज किसान मजदूर गांव के लोगों को कैसे राहत दी जा सके, त्राहिमाम है इस पूरे बिहार में, जुल्म बेइंतहा है अपराध का, और कैसे इन सारी चीज़ों से निजात बिहार की जनता को दिलाया जाए। ऊपर से नीचे तक ये धन्यवाद यात्रा की सर, ये तो आप लोगों को जानकारी है कि 30 तारीख को जो ह्यूमन चेन, जो मानव श्रृंखला बिहार में बननी है, और बीच में कई कार्यक्रम है, विधानसभा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तेजस्वी जी ने जिस प्रस्ताव को रखा है वो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और कोई बहुत साधारण प्रस्ताव है कि विधानसभा सदन और संसद यदि मौन हो जाए तो फिर सड़क पर लोगों को जाना पड़ता है, सड़क पर जाने के लिए लोग बाध्य कर रहे हैं, सदन की गरिमा ये लोग खत्म कर रहे हैं, और जब बहुमत अत्याचारी हो जाए तो सड़क पर लोगों को उतरना पड़ता है। तो ये सिलसिला चल रहा है, पूरे देश के किसान भी परेशान है और बिहार तो मुख्यतः परेशान है। ललन सिंह ने कहा है कि यात्रा की तारीख नहीं हुई, लोगों ने क्या कहा ये हमारा विषय नहीं है। ललन सिंह ने कहा है कि सर अगर वो चाहेंगे भूपेंद्र यादव तो तेजस्वी यादव की पार्टी को पूरा तोड़ देंगे, विलय करा देंगे, विलय करा देंगे BJP में। आप लोग के कहने से मैं नहीं बोलता हूँ, वो बोले होंगे, आप सुने होंगे। राष्ट्रीय जनता दल एक संयम से आगे अपने कार्यक्रम पर चलती है, किसी के उकसावे से कोई हम लोग को मतलब नहीं, बाकी अन्य दल क्या कहते हैं उनका काम है, हम लोग अपने दल को कैसे संगठित करके इस बिहार की जनता को अत्याचार से, जो हुकूमत का अत्याचार और जुल्म है उससे हम निजात दिलावें, ये हम लोग का विषय है। जगदानंद सिंह के इस बयान के बाद इतना तो जरूर समझ में आता है कि अब RJD में भी बौखलाहट साफ साफ दिख रही है। इतनी बौखलाहट कि वो अपनी भाषा की मर्यादा को भी लांघते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल, इसरो की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।